सबसे बड़ी महामारी? कोरोना के प्रबंधन के लिए पिछले लगभग 2 वर्षों से पूरा देश, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी है। दुनिया के अंदर भारत का कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा साबित हुआ है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का, पूरे देश के प्रत्येक राज्य के मामले को कांस्टेंट मॉनिटरिंग मुख्य कारण रहा है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का था, वह कारगर साबित हुआ। भारत के अंदर बनी दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी साबित हुई। प्रथम वेव के बाद उसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस की बात देखने को मिली, तो उसके बाद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश ने 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के साथ ही अगर मैं बागपत की बात करूं, तो सेकेंड वेव के बाद यहां 6 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें पीएम केयर से हमारे लोकप्रिय सांसद जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के सक्रिय योगदान से, सीएसआर से भी यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं और वे सभी क्रियाशील हैं। इसके साथ ही थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, प्रारंभ से ही सेकेंड वेव के तत्काल बाद जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दुनिया के, उन सब ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि थर्ड वेव तो आके रहेगी और अगस्त सितंबर में आएगी। हम लोगों ने पहले से इसके इंतजाम भी किए थे। 72,000 निगरानी कमेटी हमारी प्रदेश के अंदर डोर टू डोर जाकर के हर संदिग्ध व्यक्ति को देखती थी, 24 घंटे में उनकी जांच करवाती थी, उन्हें मेडिसिन किट वितरित कराती थी, होम आइसोलेशन, थोड़े लक्षण और गंभीर स्थिति है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चलते थे। परिणाम रहा कि अगस्त सितंबर में कोई थर्ड वेव नहीं आई। इसके बाद दिसंबर जनवरी में थर्ड वेव के लक्षण देखने को मिले और दुनिया के अंदर थर्ड वेव ने भी काफी हाहाकार मचाया। उत्तर प्रदेश के अंदर थर्ड वेव भी नियंत्रण में है और अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। थर्ड वेव वैक्सीनेशन के कारण कमजोर भी पड़ी है। अगर कोई संक्रमित हुआ भी है तो एक वायरल फीवर मात्र बनकर के रह गया है। यही कारण है अब तक केवल पूरे प्रदेश में 1% लोग ही हॉस्पिटल में हैं, और बागपत में मैं बात करूं तो
तो बागपत जनपद में केवल 3 पेशेंट हॉस्पिटल में हैं। यहां पे कुल सक्रिय मरीज वह 260 हैं, जिनमें से मात्र 3 हॉस्पिटल में हैं। उनकी स्थिति बहुत माइल्ड है, बहुत सामान्य स्थिति है। ये स्थिति वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में लोगों ने कितना भी गुमराह क्यों ना किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए देश की भी और प्रदेश की भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर ध्यान दिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पहली डोज लेने वालों की संख्या 99% से अधिक है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या प्रदेश में लगभग 70% है। अगर मैं बागपत की बात करूं तो लगभग 98% लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है और सेकेंड डोज लेने वाली यानी पूरी तरह वैक्सीनेशन से आच्छादित होने वाले लोगों की संख्या भी 80% से अधिक बागपत जनपद में है। यानी वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास हो कि हर वह व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है वह अपना वैक्सीन समय से ले ले। ये वैक्सीन प्रभावी वैक्सीन है, सबके लिए फ्री है और कोरोना से बचाव का सबसे कारगर शस्त्र भी है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 25,70,00,000 से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। यानी फर्स्ट डोज जो हम लोगों ने 25,70,00,000 से अधिक लोगों को अब तक दी है। दोनों डोज लेने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में अब तक यह 10,05,00,000 से अधिक है। 15 से 17 आयु वर्ग के 1,40,00,000 से अधिक यूथ को यह डोज दी जा चुकी है। इसमें से लगभग 64% लोगों को यह डोज दी जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 88% लोगों ने प्रदेश के अंदर ले ली है। यानी जो बुजुर्ग हैं, किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है, तो उसमें भी काफी अच्छी प्रगति है। मेरी अपील है, आज मैं इसीलिए बागपत के इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए भी आया हूं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तो करे ही, लेकिन साथ साथ कोरोना को नियंत्रित भी करना है। कोरोना पूरी तरह नियंत्रण की ओर है। मेरी जनता जनार्दन से ये अपील होगी कि उन सब के सहयोग से प्रथम और द्वितीय लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करके, और उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए। आज जब थर्ड वेव आ ही गई तो इस थर्ड वेव को देखते हुए यह नियंत्रण में है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है हम उसका पालन करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग बहुत शीघ्र थर्ड वेव पर भी
प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। यहां पर प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने गाइडलाइन का पालन करवाते हुए जनता जनार्दन के साथ मिलकर के इसे प्रभावी नियंत्रण में करने का प्रयास किया है। आज उसी का परिणाम है कि मात्र 3 कोरोना के मामले ही हॉस्पिटल में हैं, शेष लोग होम आइसोलेशन में रह करके सफलतापूर्वक अपना उपचार कर रहे हैं और हमारी निगरानी समितियां इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निरंतर निगरानी की जा रही है, कहीं भी कोई समस्या इस स्थिति में नहीं है। आज मैं इसीलिए यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी।